स्कूल में। कौन भेज रहा है तुम्हें बोर्डिंग स्कूल? हाँ मैं भेज रहा हूँ बापू जी से। पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। आप यहाँ? मैं यहाँ आपके पर्सनल डिसीजन पे कोई सवाल उठाने नहीं आई हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं चिराग को बदल दूंगी। लेकिन चिराग को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला मैं ले चुका हूँ और ये फैसला अब नहीं बदलेगा। पापा तो कामना मैम की बात भी नहीं मान रहे। ऐसा क्या करूँ कि पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल में ना भेजे? कुछ नहीं हुआ, ये लो पानी पी लो, पी लो। धीरे धीरे। अब बताओ क्या हुआ था? तुम इतनी डरी हुई ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। हाँ शनाया बोलो, क्या बोल रही थी तुम? मैं डर गई थी भाभी। लेकिन किससे शनाया? तुमने मुझे मार डाला, तुम कातिल हो। शनाया, अल्पेश बेटा क्या हुआ, किससे डर गई थी ये? बाप मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था। तुम सो रहे थे, ये कुछ नहीं बता रही। कोई तो बताओ क्या हुआ था। मम्मी मम्मी वो क्या है ना कि मैं शायद खुद से ही डर गई थी। क्या है ना कि जब से मैंने अपना बच्चा खोया है, दिल में मेरे अजीब सी बेचैनी सी हो गई है। खुद को ही दोष देने लगी हूँ कि मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। लगता है मैंने ही अपने बच्चे को मार दिया। नहीं, अरे ना ना बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुम अपने आप को दोष देकर अपना मन खराब मत करो। शनाया भाभी डरी हुई तो थी और डर से उनके मुंह से ये भी निकल गया कि मैंने बच्चे को मारा, पर फिर अचानक बात बदल ली। मैंने मेरे बच्चे को नहीं मारा। पर ये आज अचानक इतना क्यों डर गए? चिराग, शनाया भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया ना? चिराग क्या पूछ रही हूँ मैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में देखने आई थी, तुम सोए हो या नहीं, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थे। कहाँ थे तुम, बोलो जवाब दो। चिराग मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। चिराग बताओ, बताओ चिराग जवाब दो। क्यों तुमने शनाया भाभी को ऐसे डराया? ताकि वो डर के मारे सबके सामने सच बोल दे और अपने आप सबको बता दे कि मैंने उनके बच्चे को नहीं मारा और साइकिल से धक्का नहीं दिया। फिर पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे। चिराग, जब तुम्हारे साइकिल की टक्कर हुई थी शनाया भाभी से, तब क्या क्या हुआ था? कैसे टकराई थी शनाया भाभी तुम्हारी साइकिल से, तुम्हें याद है? यस मम्मी। तो मम्मी को सब कुछ बताओ, बताओ ये सब कैसे हुआ था। पापा के साथ उस दिन स्कूल से आया था ना, और मैं एक हाथ पे साइकिल चला रहा था हॉल में, और आपने फिर बोला था कि रूम में जाके फ्रेश हो जाओ चिराग। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया, बार बार बताया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। मैं छोटा हूँ ना,
इसीलिए सब मुझे डांट के चुप कर देते हैं और शनाई काकी के झूठ को सबने सच मान लिया। चिराग, अब तुमने अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताया ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तुम्हारे शनाया काकी के झूठ को सब लोग सच मान रहे थे, पर अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। अब तुम्हारे सच का बोलबाला होगा। दादू, पता है राजकोट हमारे गांव से कितना बड़ा है? मैंने अपनी किताब में देखा है, बड़ा सा बाजार है वहाँ, इतने लोग, इतनी भीड़, सड़क पे बस, मोटर कार और स्कूटर ऐसे दौड़ाते कि पूछो ही मत। दादू, वहाँ राजकोट में स्कूल भी कितना बड़ा होगा ना, कितने सारे बच्चे होंगे ना वहाँ, मैं बहुत सारे बच्चों से दोस्ती करूंगी। दोस्त बनाएगी, दोस्त तो तब बनाएगी ना जब राजकोट पहुंचेगी। जितनी तैयारियां करनी है कर ले, तुझे रहना तो यही है इसी गांव में। अरे दादू, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, माँ को तो भूल ही गई। माँ, तुम भी हमारे साथ राजकोट चलोगी ना? तो आप अकेले हो जाओगे ना? अकेला क्यों हो जाऊंगा, गांव के सारे लोग थोड़ी ना राजकोट जा रहे हैं। सब तो नहीं, पर मैं तो जा रही हूँ ना, आप मेरे बिना उदास नहीं हो जाएंगे? मुझे भी वहाँ आपकी बहुत याद आएगी। आप ठीक तो हो ना? लंबी सांस लीजिए, मैं आपकी खांसी की दवाई लेके आती हूँ। अरे ये क्या, आपकी खांसी की दवाई तो खत्म है, आप खुद तो अपना ध्यान रखते नहीं, इसलिए मैं पापा से कह देती हूँ मैं यही आपके पास रह जाती हूँ। अरे अरे दादू, मैं अभी भाग के आपकी दवाई लेके आती हूँ, बस यूं गई यूं आई। हाँ हाँ, यूं जा और यूं आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बढ़िया ही, हमारे साथ राजकोट चलेगी। हॉस्पिटल के पेपर्स उन्होंने जरूर कहीं छुपा के रखे होंगे ताकि वो अल्पेश भाई के हाथ ना लग जाए, पर उन्होंने कहाँ छुपाए होंगे?
जब इस तेल पर फिसल कर अपने हाथ पैर की नाजुक सी हड्डियां टूट जाएगी ना, तब मैं भी देखती हूं कैसे चलती है हमारे साथ राजकोट। वैष्णवी। हाँ माँ। गैस पे दाल रखी है पकाने के लिए, जल ना जाए। जा जल्दी रसोई में और गैस बंद कर दे। हाँ माँ। लक्ष्मी पद्म शची मेधा सावित्री विजया जया देव सेना श्रद्धा स्वाहा मातरो लोक मातरः। तेल ही नहीं है इसमें तो। माँ ये क्या कह रही है, कहीं उससे रसोई के बाहर फैला हुआ तेल तो नहीं देख लिया ना? ये बोलो, एक काम बोला था और तू मंदिर के पास खड़ी है। तेरे पैरों में फिरकी लगी है क्या? तुझे रसोई में जाने के लिए बोला था और तू यहाँ मंदिर के पास आ गई। मेरी कोई भी बात ना माने की कसम खाई है ना तूने? नहीं माँ, दी में तेल डालकर बस जा ही रही थी। हाँ, कोई बात नहीं मानती है मेरी। आ! आ! अरे माँ, अचानक फिसल कैसे गई? ये इतना सारा तेल फैला है यहाँ, ये तेल आया कहाँ से? माँ ठीक तो है ना? ये तो शनाया भाभी की मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन है। इस पर तो सिर्फ शनाया भाभी का और हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलेगा? कुछ फायदा नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार हो गई। हॉस्पिटल के नंबर पर फोन करके शनाया भाभी के बारे में पूछ तो सकते हो, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। सिटी हॉस्पिटल, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं शनाया पुरोहित बोल रही हूँ। शनाया वो, अच्छा लगा कि तुम कमरे से तो बाहर आई। अरे विद्या वो कहीं नजर नहीं आ रही है। देवांग कहाँ है वो, अपने कमरे में है? नहीं बा, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मुझे लगा वो किचन में होगी। ये देखो आ गई विद्या भाभी। अरे विद्या, कहाँ गई थी तुम? किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। शनाया भाभी आप कैसी हैं? बेहतर। यही कहा मैंने डॉक्टर देसाई से। मैं मार्केट से घर वापस आ रही थी तब वो रास्ते में मिले, आपके बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपकी कुछ फीस बाकी है। फीस? मेरी कौन सी फीस पेंडिंग हो सकती है? वो सब मैं नहीं जानती, जो उन्होंने मुझसे कहा मैं बस आपसे वही कह रही हूँ। आप दो बार विजिट करने गई थी ना उनके हॉस्पिटल में, जब हम सब बहुत परेशान थे, आपका इंतजार कर रहे थे, है ना माँ? आपको याद है? हाँ, उस दिन मैंने अल्पेश को डांटा भी था कि शनाया के साथ क्यों नहीं गया, उसे अकेले क्यों जाने दिया। और दूसरी बार चिराग के साइकिल से जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आप अल्पेश भाई के साथ गई थी। अब इन दोनों विजिट में से कोई फीस बाकी होगी आपकी? वो सपना भुलाने के लिए मुझे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे लगता है मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। विद्या तुम ये क्या कर रही हो? यू नो
उस दिन वो चेकअप के बहाने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने गई थी। मत करो ऐसा। अल्पेश भाई अब थोड़ा सब्र कीजिए, आज तो बहुत बड़े राज खुलने बाकी है। अरे विद्या अल्पेश क्या खुसर फुसर चल रहे तुम दोनों की? कुछ नहीं बाब। विद्या बात क्या है? कुछ नहीं देवांग, मैं अल्पेश भाई से यही कह रही थी कि आज बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे। वो कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी। इनफ विद्या, तुम बातों को घुमा फिरा कर कहना क्या चाह रही हो? दो बार डॉक्टर की विजिट और एक बार की फीस पेंडिंग की कहानी सुनाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? एवरीवन नोज कि मैं दो बार डॉक्टर के पास गई थी। हाँ सब जानते हैं कि आप दो बार डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि पहली बार आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई नहीं थी। डॉक्टर देसाई ने कहा कि आप तो वहाँ। डॉक्टर देसाई तुम्हें सब कुछ कैसे बता सकते हैं? मैंने उन्हें मुंह बंद रखने के इतने पैसे दिए हैं कि मैंने तो पूरी बात बोली ही नहीं, लेकिन आप खुद ही बोल पड़ी। अभी तो बहुत सारी बातें जो मुझे सबको बतानी है। अल्पेश भाई भाभी ने कहा था कि वो मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने गई थी, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि दो हफ्ते के बाद ये एक बहुत बड़े फैशन शो में रैंप वॉक करने वाली है। आपको लग रहा था कि अपने बच्चे के लिए इन्होंने अपने सपने को तोड़ा, पर सच्चाई तो ये इन्होंने अपने सपनों के लिए अपने कोख में पलने वाले उस नन्ही सी जान जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी उसकी भी जान ले ली। खुद एबॉर्शन करवाए और फिर ऐसा खेल खेला, चिराग के साइकिल से एक्सीडेंट हुई बात का इतना बड़ा हंगामा किया ताकि बच्चा खोने का इल्जाम ये मेरे बेटे पर लगा सके। मेरे बहुत पूछने पर चिराग ने मुझे शनाया भाभी के साथ हुए हादसे की सच्चाई बताई। आ गया चिराग, बहुत शैतान हो गए हो तुम। जाओ ये साइकिल अंदर लेकर जाओ। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। जिस दिन आपका और चिराग के साइकिल का वो हादसा हुआ था उसी दिन आप अबॉर्शन करके आई थी ना? आप जानबूझकर चिराग के साइकिल के सामने आए, गिरने का नाटक किया और मिसकैरेज का इल्जाम मेरे बेटे पर लगाए, और फिर उसके बाद सबसे आपने सिंपथी हासिल की। अब आप ये मत कहिएगा कि जो कुछ मैं कह रही हूं वो गलत है, क्योंकि मेरी बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। विद्या झूठ बोल रही है, ये चिराग को बचाने के चक्कर में है। अभी भी अपने झूठ को सच साबित करने पर तुली हुई है? ठीक, मैं अभी डॉक्टर देसाई की सबसे बात करवाती हूँ। रुको विद्या, विद्या जो भी बोल रही है सच बोल रही है। मैंने ही अपने मॉडलिंग के सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को दांव पर लगाया।
माफ कर दे शनाया, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है।